ओके हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉब्लम सेशन ऑन द इलास्टिसिटी टॉपिक। तो अपना थ्योरेटिकल जो पोर्शन था वो लगभग कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम केवल और केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने पूरे कंसेप्चुअल जो लेक्चर हैं वो नहीं पढ़े हैं तो एक बार उन्हें गो थ्रू कर लीजिए, तभी आपको एक क्लियर कट आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर वन ये करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू। तो राइट डाउन दिस वन, बहुत ही छोटा सा इसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो स्टार्टिंग में पहला सवाल ये रहा, द लोड वर्सेज एलोंगेशन फॉर फोर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, यानी कि एक ही मटेरियल के चार वायर हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी। ठीक है, ऐसा चार वायर है, चारों के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया, लोड वर्सेज एलोंगेशन। लोड मतलब कितना फोर्स अप्लाई किया है और उसकी वजह से कितना एक्सटेंशन आया है। ठीक है, और खास बात ये चारों सेम मटेरियल के। चलिए, देन द थिकेस्ट वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय, कौन सा वायर जो है ज्यादा थिकनेस रखता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया सीटी लेवल में। ठीक है, तो स्टार्ट हमने किया है सीटी लेवल के क्वेश्चन से और काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है स्टूडेंट, देखिए इसमें करना यह है कि इसी ग्राफ को मैंने फिर से रीड्रॉ किया, OA, OB, OC एंड OD, ये चार ग्राफ मैंने दिखा दिए। ठीक है ना, कोई स्केल वगैरह नहीं है, मतलब स्केल मेजरमेंट ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी चार लाइन दी है, लोड एंड इलोंगेशन। ठीक, चलिए तो अब क्या करेंगे, अब करना ये है फॉर ए पर्टिकुलर लोड, हमें क्या चेक करना है फॉर ए पर्टिकुलर लोड किसमें कितना थिकनेस है। थिकनेस चेक करने के लिए चाहिए क्या, पहले तो वो पता करते हैं। ठीक है, तो मैं ये सवाल मिटा दे रहा हूँ, हमें चेक करना है कि ज्यादा थिकनेस वाला वायर कौन सा है। ठीक, तो वायर है तो वायर के लिए कौन सा कांस्टेंट आएगा, दैट इज यंग्स मॉडुलस। ठीक, वाई इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बढ़िया, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन कैपिटल एल। कैपिटल एल है नेचुरल लेंथ। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल जो लेंथ था। फ्रॉम हियर वी विल गेट एफ बाई ए डेल्टा एल मल्टीप्लाइड बाई एल। ठीक है, हमें जो ग्राफ चाहिए वो लोड और एलोंगेशन के बीच में है, तो एलोंगेशन को इधर लेकर आते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एल इक्वल टू कैन बी रिटन एज एफ एल ए वाई। ठीक, चलिए, तो सब जो वायर हैं वो एक ही मटेरियल से मिलकर बने, तो सबका यंग्स मॉडुलस क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नेचुरल लेंथ एल की, सबका लेंथ भी क्या है, सेम ही है, क्योंकि सेम वायर की बात हो रही है। ठीक है, चलिए, एक्सटेंशन अलग अलग होगा बिकॉज ऑफ ए फोर्स। ठीक है, मान लेते हैं मैंने यहां पर कुछ अमाउंट का फोर्स अप्लाई किया, इतना फोर्स अप्लाई किया, लेट से ये एफ अमाउंट का कोई फोर्स अप्लाई किया, तो देखते हैं किसमें कितना एलोंगेशन आता है। चलिए, इस लाइन को एक्सटेंड किया। ठीक, इसका इस लोड के लिए, इस पर्टिकुलर फोर्स के लिए ये यहां पर टच करती, यानी इतना एलोंगेशन होगा। ठीक, इसमें एलोंगेशन यहां तक जाएगा, इसमें सी वाले में यहां जाएगा, बी वाले में यहां तक जाएगा और ए वाले में यहां तक जाएगा। तो बताओ सबसे ज्यादा एलोंगेशन किसमें हुआ, ओ ए वायर में, क्योंकि इसका वैल्यू सबसे ज्यादा है। ठीक है, यानी कि ओ ए वायर जो है ज्यादा एलोंगेशन रखता है। ठीक है, उसके बाद बी उससे कम, सी उससे कम, डी उससे कम। हमें करना क्या था, हमें ये करना था, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, एफ अपॉन ए फोर्स हमने फिक्स कर दिया, फॉर ए पर्टिकुलर फोर्स हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी कांस्टेंट, यानी कि डेल्टा एल इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, और एरिया से हमें पता चलेगा कितना थिकनेस रखता है, पाई आर स्क्वायर, आर जिसका ज्यादा वही ज्यादा थिकनेस रखेगा। तो आर को अगर ज्यादा रखना है तो डेल्टा एल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो बताओ डेल्टा एल सबसे कम किसका है, सबसे ज्यादा ओ ए का एलोंगेशन, उसके बाद ओ बी का, उसके बाद ओ सी का, सबसे कम है ओ डी वायर का, यानी कि इट इज द वायर ओ डी हुज एलोंगेशन इज लेसर, यानी कि सबसे कम क्या है, एलोंगेशन उसी का है। तो सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा, उसी का होगा, तो एरिया भी किसका ज्यादा होगा, उसी का होगा, यानी कि थिकनेस जो है ओ डी वायर का सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, हमने क्या किया, पर्टिकुलर फोर्स के लिए ग्राफ को एक्सटेंड किया और उसी में चेक किया कि हाँ क्या क्या घटना हो रही है। जल्दी से लिखिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू। ये क्वेश्चन नंबर टू आपका,
पढ़ लिए क्वेश्चन नंबर टू। द एडजेसेंट ग्राफ शोज दैट द एडजेसेंट ग्राफ शोज द एक्सटेंशन डेल्टा एल, ये डेल्टा एल दिखाया इधर, ठीक है, डेल्टा एल ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, तो वायर का लेंथ कितना है 1 मीटर है, चलिए बढ़िया, डेल्टा एल कितना है 10^-4 मीटर, ये गिवन है ना, चलिए 10^-4 मीटर। सस्पेंडेड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए रूफ एट वन एंड, यानी कि रूफ से हमने एक फिक्स किया वायर को, फिर हमने इसका लेंथ कहा है 1 मीटर, एक्सटेंशन हुआ 10^-4 मीटर, ठीक है, कितना लोड कनेक्ट किया है, डब्ल्यू लोड कनेक्ट किया है, चलो तो लोड जो है डब्ल्यू है, लेकिन अभी डब्ल्यू पता नहीं है, चलिए तो पूछा है क्या, यंग्स मॉडुलस, एरिया गिवन है, एरिया इज गिवन 10^-6 मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस पूछा, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, वाई इज इक्वल टू एफ बाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि एफ अपॉन ए डेल्टा एल इंटू एल। एरिया पता है क्या, एरिया पता है 10^-6 है, एल कितना है 1 मीटर है, डेल्टा एल भी तो पता है, यहां पर डेल्टा एल 10^-4 मीटर कब, जब लेंथ कितना रखना है, नेचुरल लेंथ कितना रखना है 1 मीटर रखना है, तो बताओ ठीक 1 मीटर लेंथ पर फोर्स कितना एक्ट कर रहा है 20, ये गिवन है, ठीक है ना, इट इज द ग्राफ बिटवीन द एक्सटेंशन ऑफ ए वायर वर्सेज लोड, तो ये लोड का ग्राफ है ना, यानी ये डब्ल्यू, ये इधर लोड है, चलिए तो नेचुरल लेंथ 1 मीटर पर फोर्स कितना लग रहा है 20 न्यूटन, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन। मैंने 20 न्यूटन क्यों लिया है, क्योंकि हम 1 मीटर के अक्रॉस बात कर रहे हैं, 1 मीटर वाले वायर के लिए, ठीक है, तो एफ पता चल गया कितना 20 न्यूटन, एल 1 मीटर है, एरिया 10^-6 है, डेल्टा एल कितना 10^-4 है, नाउ पुट इट, एफ कितना 20, एल कितना 1, एरिया कितना 10^-6 इंटू डेल्टा एल कितना था 10^-4, कितना आ जाएगा 20 इंटू 10 की पावर 10, विच कैन बी रिटन एज 2 इंटू 10^11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये यंग्स मॉडुलस होता किसका, स्टील का, जो हमें पता है, ठीक है ना, 2 इंटू 10^11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये वायर स्टील का था, अगर पूछ भी लेता तो ऐसा हम बता सकते थे, ठीक है ना, अगर वो 2 मीटर वाले वायर के लिए कहता तो 2 मीटर वाले के लिए लोड ये लेते, समझे, ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा था, क्या ग्राफ का यूज ये था कि आपको ये पता करना था कि 1 मीटर पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट अगला, द इलास्टिक लिमिट ऑफ ए ब्रास, द इलास्टिक लिमिट ऑफ ए ब्रास, ब्रास मेटल, अच्छा, इज 379 मेगा पास्कल, मेगा पास्कल है भैया, what should be the minimum diameter of a, minimum diameter of a brass rod, if it is to support a 400 न्यूटन लोड विदाउट एक्सीडिंग इट्स इलास्टिक लिमिट, ये क्या सवाल है, बहुत ही आसान है, देखिए एक्सीडिंग इट्स इलास्टिक लिमिट, विदाउट एक्सीडिंग इट्स इलास्टिक लिमिट, ओके, ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शंस आर, ऑप्शन क्या सॉल्व करवा देंगे पूरे, चलिए छोड़िए,
इलास्टिक लिमिट ऑफ ए ब्रास मेटल कौन सा है अपने पास? ब्रास मेटल है, उसके लिए लिमिट यानी कि स्ट्रेस दिया है, कितना स्ट्रेस है इन टर्म्स ऑफ पास्कल में दिया है, दैट इज द डिफरेंट थिंग, कि स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट, 379 मेगा पास्कल, ठीक है, 379 मेगा पास्कल, ठीक है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू 379 मेगा, मेगा मतलब मेगा यानी कि 10 की पावर 6। चलिए फोर्स कितना है, इट हैज सेड ऑलरेडी इफ इट इज टू सपोर्ट ए 400 न्यूटन फोर्स, ठीक है, यानी कि फोर्स कितना है 400 न्यूटन है अपॉन एरिया, एरिया के लिए इसने पूछा है मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए, तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, लेकिन इसे डायमीटर में लिखेंगे तो आर इक्वल टू व्हाट, टू आर इज इक्वल टू डायमीटर डी, आर इक्वल टू व्हाट, डी बाय टू, यानी कि आर इक्वल टू यहां क्या रख देंगे, डी स्क्वायर अपॉन 4 रख देंगे, क्योंकि डी बाय टू का होल स्क्वायर इज व्हाट, डी स्क्वायर बाय 4, 379 इंटू 10 की पावर 6, बस सॉल्व कर लीजिए, क्या जाएगा 4 इंटू 400 अपॉन पाई इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 379 इंटू 10 की पावर 6, इसको डी के लिए सॉल्व करना है, ठीक है, मैं पूरा सॉल्व तो नहीं करूंगा, तो ये आ जाएगा 1600 अपॉन पाई इंटू 379 इंटू 10 की पावर 6, ओके, हियर इट इज डी स्क्वायर, ठीक है, तो डी क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, है ना। चलिए सॉल्व करना है, वैसे तो आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरा नहीं करूंगा। D इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 41600 पाई इंटू 379 इंटू 10 की पावर 6, बस ये सॉल्व कर लेना है। 16 का स्क्वायर रूट बाहर आएगा, कितना हो गया 400, 10 की पावर 1 बच गया, ठीक है, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट खत्म, स्क्वायर रूट ऑफ पाई पाई रहा, 10 की पावर 6 बाहर आ गया, कितना हो गया 10 की पावर 3 हो गया, अंदर क्या बच गया पाई इंटू रूट 379, ये 3.14 होता है, मल्टीप्लाई करना, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिखना, यू विल गेट द वैल्यू, ठीक है, दैट विल बी योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए फटाफट से, 30 सेकंड दिए आपको लिखने के लिए, फटाफट से जितना जल्दी लिख सकते हैं लिखिए, टूट पड़िए सवाल पर। सॉल्व करते हो भी हो कि नहीं आगे, या फिर जहां तक मैंने खत्म कर दिया वहीं खत्म कर देना तुम भी। चलिए अगला सवाल, इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ रेडियाई एंड यंग्स मॉडुलस, ये सवाल दो एग्जाम में रिपीट हुआ है, एक सीईटी में, नेट में, सीईटी में पहला आया था, उसके बाद नेट में आया, ठीक है ना, इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ, जो ये करवा रहे हैं, इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ रेडियाई एंड यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील एंड ब्रास, ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर शोन इन द फिगर, शोन इन फिगर ए बी एंड सी, ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, the ratio between increase in length of brass and steel wire would be, okay, ऐसा पूछा है, पूछा है तो बता देंगे मुंह उठा के है कि नहीं। पहला ये सीटी में पूछा गया था 2009 में, करेक्ट, उसके बाद ये पूछा गया नीट 2013 में, तो देखिए काफी इंपोर्टेंस रखते हैं ऐसे क्वेश्चन भी, ये पहले सीटी में पूछा गया, उसके बाद नीट में पूछा गया, है ना। चलिए और डायग्राम क्या दिया है, डायग्राम ये दिया है, कितना दिया है ये 2 kg 4 kg, ये जो वायर है वो स्टील का है और ये ब्रास का,
ये ब्रास है, ये स्टील है, बीच में 2 kg, 4 kg और ये फिक्स सपोर्ट, ठीक है, इतना दिया। चलिए सवाल पढ़े, इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ रेडियाई एंड यंग्स मॉडुलस, तो एक वायर आपको दिया है स्टील, दूसरा दिया है ब्रास, ठीक है। चलिए स्टील को मैं कहता हूं वायर नंबर 1, ब्रास को मैं नंबर कहता हूं वायर नंबर 2, ठीक है। अब इसमें कहा है रेशियो गिवन है आपको लेंथ रेडियस और यंग्स मॉडुलस किसके लिए, ऑफ स्टील एंड ब्रास, यानी स्टील को मैंने पहला कहा है और ब्रास को दूसरा कहा है, तो L1 अपॉन L2, R1 अपॉन R2 एंड Y1 अपॉन Y2 इज गिवन, क्या है रेस्पेक्टिवली, इट इज A, B एंड C, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। चलिए द रेशियो बिटवीन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द ब्रास एंड स्टील, उसने कहा है कि आप मुझे बताइए जो लेंथ इंक्रीज हुआ है उन दोनों का रेशियो, लेकिन ऊपर क्या रखना है ब्रास, तो ब्रास को मैंने कहा वायर नंबर 2, ये आपसे पूछा गया, ठीक। तो Y1 और Y2 यंग्स मॉडुलस की बात हो रही है, तो सिंपल है कि Y इक्वल टू होता क्या है F बाई A डेल्टा L अपॉन L, अब तो ये दिमाग में छप गया होगा, डायरेक्ट लिखना F अपॉन A डेल्टा L बाई L, खत्म करके फ्रैक्शन के नीचे उल्टा करके जो भी आएगा वो ये आएगा, ठीक। अब सवाल ये आता है कि L हमें पता है क्या, हाँ L1 अपॉन L2 पता है, ये पता है, ये पता है, तो फोर्स नहीं पता कुल मिलाकर के, सबसे पहले हम फोर्स फाइंड करेंगे, या थोड़ा उल्टा चलते हम सवाल में, Y1 अपॉन Y2 इज इक्वल टू व्हाट, F अपॉन A डेल्टा L, ये फर्स्ट वायर के लिए, FLA डेल्टा L ये सेकंड वायर के लिए, इसका रेशियो पता है, इसका यूज करेंगे, मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, करेक्ट। चलिए अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, चलिए अब यहां से स्टूडेंट क्या आ जाएगा, F1 L1 A1 डेल्टा L1 अपॉन A1 डेल्टा L1, करेक्ट, ये F2 L2 और ऊपर A2 डेल्टा L2, ठीक है। F1 हमने माना है स्टील वाले वायर के लिए, तो यहां पर जो फोर्स आएगा वो F1 है, यहां पर जो फोर्स आएगा वो F2 है, करेक्ट। चलिए अब ये था Y1 अपॉन Y2, Y1 अपॉन Y2 हमें पता है, R1 अपॉन R2 भी देखते हैं। चलिए हमें निकालना क्या है, Delta L2 अपॉन L1, यानी कि Delta L2 अपॉन Delta L1, इसको एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ फेंक देते हैं, ठीक है। चलिए इसको फिर से लिख देते हैं एक बार, Y1 अपॉन Y2 इज इक्वल टू F1 L1 A2 डेल्टा L2, F1 L1 A2 डेल्टा L2, A1 डेल्टा L1, कोई मिस्टेक हो जाए तो बता देना कमेंट सेक्शन में, ऐसा बताने से रहे, F2 L2, करेक्ट। चलिए वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द डेल्टा L2 अपॉन डेल्टा L1, तो इसको मैंने यहीं रखा, बाकी सबको उधर भेज दिया, तो Y1 अपॉन Y2 एक तरफ, चलिए इनटू L2 बाय L1 बन जाएगा, इधर आकर के ये L2 ऊपर जाएगा, L1 नीचे आ जाएगा, तो इसकी कहानी खत्म हो गई। चलिए ओके, F2 ऊपर जाएगा, F1 नीचे आ जाएगा, ये F2 ऊपर गया, F1 नीचे आ गया, इसकी कहानी की हमने देख ली, A1 ऊपर जाएगा, A2 नीचे आएगा, और यही क्या है डेल्टा L2 इंटू A1 अपॉन A2, इसी को क्या कहेंगे डेल्टा L2 अपॉन डेल्टा L1, यही फाइंड करना है क्या, जी हाँ यही फाइंड करना है। तो देखो Y1 अपॉन Y2 का वैल्यू कितना है, C है, तो C यहाँ रख देंगे, L1 बाय L2 कितना है, A है, तो L2 बाय L1 कितना हो जाएगा 1 अपॉन है, दैट्स ओके। F2 बाय F1 फोर्स का वैल्यू पता नहीं, फाइंड करेंगे। A1 बाय A2 नहीं दिया है, हम रेडियस में रेडियस का यूज कर सकते हैं, तो कर लीजिए Y1 अपॉन Y2 इंटू L2 बाय L1 इंटू F2 बाय F1 वी विल फाइंड एंड A1 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन पाई
आर टू का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एल टू अपॉन डेल्टा एल वन, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल होगा, ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल कर दो। अब इसे क्या लिख सकता हूं, आर वन अपॉन आर टू का होल स्क्वायर, तो लिख दो आर वन अपॉन आर टू का होल स्क्वायर। अब देखो y1 अपॉन y2 का वैल्यू c है, l2 by l1 का वैल्यू 1 अपॉन a हो जाएगा, r1 by r2 का होल स्क्वायर ये b स्क्वायर आ जाएगा। बच क्या गया, f2 by f1 हमें निकालना है। चलिए तो f2 by f1 हम निकाल लेते हैं। तो f1 निकालने के लिए 2 kg का fbd बना लो और इसका 4 kg का, तो 4 kg का fbd बना देते हैं पहले नीचे वाले का और ये 2 kg का। वैसे तो आसान है, एक मिनट का है ये डायरेक्ट। नीचे क्या लगेगा, अच्छा थोड़ा और डिटेल में चल रहे, ये वायर है, वायर है तो क्या होगा, टेंशन फोर्स होगा। इसे मैंने कहा टेंशन फोर्स T2, यानी कि वही F2 अपने लिए, ठीक है। तो T2 क्या आ जाएगा, T2 ऊपर लगेगा, नीचे क्या लग रहा है 4G, तो T2 इज इक्वल टू व्हाट, 40 न्यूटन। टेंशन फोर्स का डायरेक्शन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट, यहाँ पर भी टेंशन फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो इसके लिए नीचे लग रहा है T2 और लग रहा है यहाँ पर 2G, ऊपर लगेगा क्या T1, क्या जाएगा T1 is equal to T2 plus 2G, 2G मतलब 20 न्यूटन हो गया, G का वैल्यू 10 होगा, T2 कितना है 40 है, 40 plus 20 यानी it comes out to be 60 न्यूटन। तो T1 आ गया 60 न्यूटन, T2 आ गया 40 न्यूटन, यही तो क्या है F1 है और यही क्या अपना F2 है। तो F2 by F1 क्या जाएगा, इसलिए F2 by F1 comes out to be 40 by 60, है ना, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, तो टू बाय थ्री पुट कर देते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दे रहा हूं ये, चलिए ये फाइनल टर्म यहां लिख देता हूं, डेल्टा एल टू अपॉन डेल्टा एल वन इज इक्वल टू वाई वन अपॉन वाई टू इंटू एल टू अपॉन एल वन इंटू F2 by F1 multiplied by R1 upon R2 का होल स्क्वायर, खत Y1 upon Y2 लिखो, ये C हो गया, L2 by L1 1 upon A, F2 by F1 it's 2 by 3 and R1 by R2, R1 by R2 ये B square हो जाएगा, करेक्ट। क्या आ जाएगा, B square C, 2 B square C upon 3 A, so here it is your answer, ठीक है। केवल कैलकुलेशन था और कुछ नहीं, आगे बढ़ा गए, लिख लीजिए फटाफट से। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना, है ना, बाकी कंसेप्ट यही रहेगा करने के लिए। अगले तीन सवाल जो कंटिन्यूस आएंगे काफी बेहतरीन है, है ना, एक दूसरे, तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो यही वो क्वेश्चन था जिसकी मैं चर्चा कर रहा था अभी, जो जस्ट हमने किया है, क्या कि नीट में पूछा गया था, केवल डाटा चेंज किया था, बाकी सब कुछ सेम था, ए बी सी के जगह पी क्यू एस था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ए वायर ऑफ लेंथ 12, क्वेश्चन नंबर क्या है, ए वायर ऑफ लेंथ 12 एंड रेडियस स्मॉल आर and radius small r is stretched, खींच दिया यू, खटाक, stretched between a and b without the application of any tension, कोई टेंशन नहीं है उसे, ऑफ एनी टेंशन। इफ वाई इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर, वाई इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर, वाई इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर एंड इट इज स्ट्रेच्ड, एंड इट इज stretched like ACB, diagram given है, don't worry, ACB
एसीपी नहीं एसीबी, ठीक है। देन द टेंशन इन वायर विल बी, इन वायर विल बी, ओके। डायग्राम गिवन है, क्या गिवन है देखिए, ये ऐसा है, ये ए ये बी है, ये लेंथ 2L है और ये सी, ये ऐसा गिवन है, ठीक है। सवाल समझते हैं, एक वायर था लेंथ जिसका 2L था, ठीक है, एक वायर है जिसका लेंथ 2L है, ठीक, इसका रेडियस आ रहा है तो थिकनेस होगी कुछ, है ना। चलिए, इट इज स्ट्रेच्ड बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में हमने कुछ स्ट्रेचिंग किया विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ टेंशन, मतलब उसे कोई खींचने वाला नहीं है, फिर भी उसे स्ट्रेचिंग आई है, कैसे आई वी डोंट नो, क्वेश्चन को भी नहीं पता, लेकिन आई इतना पता है। तो इफ वायर इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर एंड इट इज स्ट्रेच लाइक ए सी बी, डायग्राम गिवन है ए सी बी, यानी कि ये ऐसे हो गया, पहले वायर ऐसा था सीधा, उसे खींच के ऐसा कर दिया, ठीक है, तो ये ए सी बी बन गया, किसकी वजह से हुआ वो रीजन नहीं दिया, ठीक है, लेकिन हुआ। देन द टेंशन इन वायर विल बी, ठीक है। चलिए, सवाल समझ में आया होगा, चलिए किया जाए। तो लेंथ 2L है और ये ऐसा कंडीशन है, तो क्या करेंगे, रेडियस आर है बिटवीन ए एंड बी, विदाउट ऑप्शन दिया है क्या इसमें, ऑप्शन नहीं दिया है स्टूडेंट, ऑप्शन नहीं दिया है, एक ये हाइट दिया है डी, मतलब इतना नीचे आ जाता है, ठीक है। हमें टेंशन फाइंड करना है और यंग्स मॉडुलस की बात हो रही है, तो y इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन A डेल्टा L बाय L, यहां तक ठीक सही है। तो टेंशन फाइंड करना है तो y इक्वल टू आ जाएगा F A डेल्टा L और ये L, तो ये फोर्स है वही तो क्या है, टेंशन फोर्स है, है ना। तो y A डेल्टा L अपॉन L इज इक्वल टू F एंड वी हैव टू फाइंड दिस, यानी इन सबका वैल्यू हमें चाहिए। तो Y तो गिवन नहीं है, मतलब ये एक्सप्रेशन आएगा, कोई क्या आएगा, कोई एक्सप्रेशन आएगा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया। एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, डेल्टा L नहीं पता कितना एक्सटेंशन हुआ, लेकिन इतना पता है पहले ऐसा था फिर ये ऐसा और ये ऐसा हो गया। L इनिशियल लेंथ कितना था, 2L था, तो इसकी जगह तो 2L आ जाएगा, ओके। तो देखिए, ये इतना एक्सटेंड हुआ है क्या, कितना इंक्रीज इन लेंथ आया है, एक ये और एक ये, और दोनों ही लेंथ होमोजेनियस है, मतलब सेम है, किसी एक को फाइंड कर लिया तो दूसरा भी आसानी से पता चल जाएगा। दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, ये लेंथ कितना हो गया L, ये भी कितना हो गया L, लिखा जा सकता है। तो देखो इस डायग्राम में ये 90 डिग्री है, ये L है और ये D है, ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये भी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब टोटल इंक्रीज इन लेंथ कितना हुआ, ये इंक्रीज हुआ और ये इंक्रीज हुआ, पहले कितना था 2L था, तो टोटल इंक्रीज इन लेंथ, टोटल इंक्रीज इन लेंथ इज हाउ मच, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ चेंज इन लेंथ कितना आया, डेल्टा एल, डेल्टा एल क्या कहता है कि एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, ठीक है, एल फाइनल कितना है आफ्टर इंक्रीजिंग, ये है टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस एल इनिशियल, इनिशियली कितना था, इनिशियली पूरा 2L, क्योंकि हमने पूरा एक्सटेंशन लिया, तो इनिशियल लेंथ कितना था ओरिजिनल 2L था, ठीक है। चलिए, तो डेल्टा एल कम्स आउट टू बी टू रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2L, तो डेल्टा एल अपॉन एल ये फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो डेल्टा एल अपॉन एल इनिशियल, यानी कि एल इनिशियली था, ओरिजिनली कितना था, चलिए तो ये आएगा टू रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2L अपॉन 2L, ओरिजिनल लेंथ 2L था स्टूडेंट, याद रखना, L में कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। चलिए,
टू टू कॉमन हो जाएगा, लेकिन क्या बात हो जाए अगर एल भी कॉमन ले लें और एल नीचे से काट दें। तो मैं यहां से क्या करता हूं, स्क्वायर रूट के अंदर से एल स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर आके क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा, ठीक है। माइनस ये तो 2l है, ओके, माइनस 2l अपॉन 2l, करेक्ट। चलिए अब 2l पूरा ही कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2l, इसका खेल खत्म, ठीक है। क्या बच गया, ये बचा 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब पावर कितनी हो गई, 1/2 माइनस 1। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर एक छोटा सा अजम्पशन, क्या अजम्पशन, ये कि अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम विच वी हैव स्टडीड अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इन यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, क्या कहता है ये, बायो वाले खास कर ध्यान दें, ज्यादा टेंशन नहीं है, केवल सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, 1 प्लस x की होल पावर n, n कोई पावर होगा, x की जगह कोई भी वेरिएबल आ सकता है, बीच में प्लस ही रहेगा और 1 यहां पर 1 ही रहेगा। अगर ऐसा हो तो 1 प्लस nx लिखा जा सकता है, 1 प्लस n इंटू x लिखा जा सकता है, प्रोवाइडेड x का जो वैल्यू हो वो क्या होना चाहिए, वेरी वेरी लेस देन 1। अब देखो यहां पर 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर की होल पावर है 1/2, इसे क्या लिख सकता हूं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2 एल स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2, लेकिन कब, ये तभी संभव है जब ये x की जगह ये है, यानी कि डी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर मस्ट बी लेस देन 1/1 है ना, यानी कि डी स्क्वायर इज लेस देन एल स्क्वायर, यानी कि डी इज वेरी वेरी लेस देन एल, ठीक है ना, यानी कि डी ये था, चलो ये कैपिटल डी ले लिया तो कैपिटल डी ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये जो डी है बहुत ही छोटा है, यहाँ डायग्राम ने काफी बड़ा दिखाया, ये इतना सा होगा बस, ठीक है। तो ये कंडीशन है तब ये वैलिड है, तो वी कैन राइट, यहां लिखना यूजिंग बाइनोमियल वी कैन राइट 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन, अच्छा ऊपर लिख दें, इसके बाद में यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये लिख लो पहले कि ऐसा ऐसा हमने किया है, अरे उतना टेंशन नहीं है भाई, आसान है, क्या लग रहा होगा कि हाँ कॉम्प्लेक्स कर दिया है, कॉम्प्लेक्स नहीं है उतना, ठीक है। तो इसके बाद लिखो यूजिंग बायनोमियल, धीरे धीरे समझोगे तो चीजें आसान होगी, ठीक है। तो 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर माइनस 1, ये क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल, 1/1 खत्म, यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल कम्स आउट टू बी डी स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर, ठीक है। तो ये खेल खत्म हुआ, सवाल पूछा क्या था, सवाल पूछा था फोर्स का, यानी कि टेंशन क्या था, वो मैंने स्मॉल डी की जगह कैपिटल डी लिख लिया गलती से, तो आप कैपिटल डी कर लेना, ठीक है, चाहो तो स्मॉल डी लेके चल लो। तो वाई इक्वल टू एफ अपॉन ए, डेल्टा एल एल, डेल्टा एल अपॉन एल, फोर्स निकालना है तो वाई इंटू ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू फोर्स, खत्म। चलिए डेल्टा एल अपॉन एल का वैल्यू कितना ये रहा, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू वाई इंटू ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल डी स्क्वायर अपॉन टू एल स्क्वायर, यानी कि एरिया को क्या लिख सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर, सो वाई पाई आर स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन टू एल स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर, कब, when d is very very less than l, ठीक है। तो चाहो तो small d लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ अपना final result, खत्म। चलिए अब एक interesting question इसी के आगे मिटा दें, 34 minutes का lecture हो गया student, एक घंटे से ज्यादा नहीं करेंगे, बेफिक्र रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए स्टील वायर ऑफ ए डायमीटर 0.8 मिलीमीटर, ए स्टील वायर ऑफ डायमीटर 0.8
मिलीमीटर एंड ए स्टोन ऑफ 0.5 kg मास इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ ए 0.8 meter लॉन्ग एल्यूमिनियम वायर ऑफ 0.7 millimeter डायमीटर एंड सस्पेंडेड वर्टिकली द स्टोन इज नाउ रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ रेट सच डेट the wire makes an angle of 85 degree with vertical find the increase in length of wire और जो वायर है उसका यंग्स मॉडुलस दिया है यानी कि एल्यूमिनियम का वो गिवन है आपको 7 × 10^10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और एक डाटा गिवन है साइन 85 डिग्री 0.9962 एक और गिवन है कॉस 85 डिग्री इज इक्वल टू 0.0872 लिख लीजिए इसे करते हैं क्या गया स्टूडेंट स्टोन ऑफ 0.5 kg मास यानी कि मास कितना दिया है 0.5 kg दिया है एक स्टोन का अटैच टू वन एंड ऑफ ए 0.8 meter लॉन्ग एक वायर है जिसका लेंथ कितना है 0.8 meter है ये इसका नेचुरल लेंथ ठीक है और यहां से एक 0.5 kg का स्टोन जो है अटैच किया गया है और इस वायर का जो डायमीटर है वो कितना है 0.7 millimeter ये सस्पेंड किया गया है वर्टिकली द स्टोन इज नाउ रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि अब इसे क्या किया गया है पहले ही ऐसे बांधा हुआ था अब इसे क्या कर रहे हैं ऐसा घुमा दे रहे हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेन में इसे घुमा रहे ठीक है तो ये ऐसा हो जाएगा यानी कि ऊपर से फिक्स ये ऐसा यहां कहीं मैंने दिखा ठीक है वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 85 डिग्री दिस अब देखिए ये यहां पर अटैच होगा ऐसा स्ट्रिंग यहां पर भी ऐसा जहां पर हम दिखाएंगे वहीं पर अटैच होगा चलिए इसका कहना है कि ये 85 डिग्री का एंगल बनाता है यहां स्टोन है एम मास का तो नीचे क्या लगेगा एम जी ठीक है चलिए अब कंपोनेंट ब्रेक करेंगे ये एंगल 85 डिग्री तो ये भी कितना 85 डिग्री तो ये टेंशन टी है यहां पर वायर में जिसके साथ एंगल बनाएगा वहां क्या जाएगा टी कोस 85 डिग्री इधर कंपोनेंट कितना जाएगा टी साइन 85 डिग्री ठीक है इंक्रीज इन लेंथ हमें फाइंड करना है याद रखना डाटा चलिए देख लेते हैं डाटा जो भी रहेगा पहला इक्वेशन क्या जाएगा टी अच्छा थीटा ही रख देते हैं अभी 85 क्यों थीटा में पता है 85 है ठीक है थीटा इज इक्वल टू 85 टी कॉस थीटा इक्वल टू कितना एम जी पहले इक्वेशन से और ये टी साइन थीटा क्या आएगा टी साइन थीटा इज द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर यानी कि सर्कुलर मोशन है ना नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर तो यही क्या होगा
सेंट्रीपिटल फोर्स होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन वन इक्वेशन टू, ठीक है। चलिए बढ़िया, अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड करना है फाइंड द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर, यानी जब उसे ऐसा घुमाएंगे तो इंक्रीज इन लेंथ कितना होगा। तो देखिए y इक्वल टू क्या होता है, f अपॉन a डेल्टा l l, तो डेल्टा l निकालेंगे, f अपॉन a y l, करेक्ट। f पता है क्या, f मतलब टेंशन फोर्स की बात हो रही है, नेचुरल लेंथ कितना था, नेचुरल लेंथ इसका था 0.8 मीटर लॉन्ग, ठीक है, तो l इक्वल टू 0.8 मीटर, ठीक है। एरिया, एरिया के लिए रेडियस चाहिए होगा, और रेडियस कितना है, डायमीटर दिया है 0.7 मिलीमीटर, तो ये आ जाएगा 0.35 मिलीमीटर, है ना। चलिए और कोई डाटा, और कुछ डाटा नीचे बाकी लिखा हुआ है। वाई गिवन है क्या, वाई भी गिवन है, कितना, 7 × 10⁻¹। चलिए तो वाई का वैल्यू भी गिवन है 7 × 10⁻¹। क्या बच गया, फोर्स, फोर्स का वैल्यू रख दो, ये रखोगे तो वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी है नहीं अपने पास, ये रख देंगे, तो यहां से टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम जी अपॉन कॉस थीटा, तो रख दो एफ इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा, ये एल का एल, ये एफ, ये ए है और ये वाई है। एम, एम कितना था, 0.4 केजी था क्या, या 0.5 था। चलिए अब तो खत्म हो गया सवाल, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एम जी, यानी कि एम जी कितना आ जाएगा, 0.5 × 10, ये तो 5 आ गया। चलिए एल कितना, 0.8 है, और कॉस थीटा, कॉस 85, ठीक है। एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर है, आर का वैल्यू पता है कितना, 0.35 मिलीमीटर, और वाई कितना, 7 × 10⁻¹, लिख लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर होगा। लिखिए, एक और क्वेश्चन करेंगे अंतिम, स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन, और इसे हमें बहुत अच्छे से सीख लेना है, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से, ठीक है। इसको हम एज ए डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद इस न्यूमेरिकल में घुसेंगे, ठीक है। चलिए क्या है कि एक स्टील वायर है, चलो एक स्टील वायर है, ये रहा एक स्टील वायर, ठीक, एक स्टील वायर है ऑफ डायमीटर 0.8 मिलीमीटर, तो डायमीटर रहा होगा 0.8 मिलीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 0.4 मिलीमीटर, करेक्ट। लेंथ है इसका 1 मीटर, ठीक। चलिए, एंड इट्स क्लेम्ड फॉर्मली टू पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, विच आर 1 मीटर अपार्ट, तो ये 1 मीटर अपार्ट है, यानी कि लेंथ भी 1 मीटर, 1 मीटर अपार्ट ही है, जो ऐसी बात है, एंड द सेम प्लेन। चलिए, तो सबसे पहली बात, मैंने इस लेंथ को मान लिया 2L, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, 1 मीटर, उसको मैंने माना 2L, यानी कि 2L इज इक्वल टू 1 मीटर, L इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 मीटर, ठीक है, बस समझ जाइए। नाउ व्हाट वी हैव डन, मैंने एक M मास का ऑब्जेक्ट सस्पेंड किया, तो नीचे झूला झूलेगा और नीचे आके लटक जाएगा, सही है, तो ये झूला झूला और ये नीचे आ गया। अब M मास का जो ऑब्जेक्ट है वो यहां है, सही है, नीचे क्या लगेगा, एम जी फोर्स लगेगा, करेक्ट। अब ये कुछ ना कुछ एंगल नीचे आया होगा, देखेंगे, लेकिन कितना नीचे आया वो हमें नहीं पता, मान लो x नीचे आया, ठीक है, x इज व्हाट, x इज द सेग, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, और इससे मैंने एंगल थीटा मान लिया, इससे भी मैंने एंगल थीटा मान लिया है। जब ये नीचे जाएगा इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी कि नीचे लटक जाने के बाद, वो टेंशन फोर्स होगा जो उसे संभाल के रखेगा, ठीक। ये एंगल अगर थीटा है तो मैं इसे कंपोनेंट ब्रेक में लेकर आऊंगा, तो ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा क्या, जी हाँ, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, जेड शेप बन रहा है, ठीक। चलिए, जिसके साथ एंगल बन रहा है वहां आता है थीटा कंपोनेंट, और जिसके साथ नहीं बन रहा वो क्या जाएगा, टी साइन थीटा, इधर भी इसका टी कोस थीटा, इधर भी क्या जाएगा, टी साइन थीटा, ठीक है, लिखा नहीं है, टी साइन थीटा, ये दिस टू विल गेट कैंसिल आउट बिकॉज दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इन इक्विलिब्रियम कंडीशन बोथ ऑफ द फोर्स विल बी इक्वल, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम 2t sin theta is equal to mg, ठीक है, और मेरा टारगेट है इसमें m मास का ऑब्जेक्ट जो मैंने लगाया है उसका वैल्यू फाइंड करना,
यानी कि एम जी इज इक्वल टू जो 2t साइन थीटा आया है उसमें j का वैल्यू पता है 10 है, तो कांस्टेंट है, t फॉर टेंशन फोर्स हमें फाइंड करना होगा, साइन थीटा में थीटा अननोन है जो मैं खुद माना था उसका भी वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। बढ़िया, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे इस तरह से बढ़ना है कि पहली बात हमें पता है कि ये अगर x है और ये पूरा अगर 2l था तो ये था l और ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये भी कितना आ जाएगा l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये भी कितना है l है, तो चेंज इन लेंथ कितना आ जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि टोटल लेंथ इंक्रीज ये हुआ है 2 रूट l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस ओरिजिनल था 2l, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल था 2l, इट कम्स आउट टू बी आफ्टर अप्लाइंग बायनोमियल थ्योरम व्हिच वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, क्या जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर माइनस 1, 1 से 1 कट गया, x स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर दैट इज द डेल्टा l अपॉन l, ठीक है। ओके, नाउ y इक्वल टू होता है f अपॉन a डेल्टा l l, f ही क्या अपना टेंशन फोर्स है, ठीक है, टेंशन फोर्स निकालना है तो y into a into डेल्टा l अपॉन l इज इक्वल टू टेंशन फोर्स, डेल्टा l अपॉन l का वैल्यू क्या है x स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर, ठीक है, तो टेंशन फोर्स का वैल्यू पुट कर देते हैं, कर दिया, कर दो, तो ये आएगा 2y a x स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा, अब सारी कहानी आकर के साइन थीटा पर आके रुक जाती है, 2 से 2 तो कट जाता है, m इक्वल टू कितना आ जाएगा y a x स्क्वायर अपॉन g l स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब साइन थीटा का हमें फाइंड करना है, तो यहां पर वन वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस, क्या कि जब भी हम बायनोमियल अप्लाई करते थे तो हमने कहा था कि x by l is less than 1, प्रीवियस क्वेश्चन में ध्यान से अगर देखा है तो आपको पता ही, यानी कि x जो होगा वो l से बहुत छोटा होगा, l से बहुत छोटा होगा, तो ये हाइट वास्तव में इतनी नहीं होगी, ठीक है ना, वास्तव में बहुत छोटी होगी, मैंने दिखाया इतना बड़ा, ठीक है ना, तो ये x कुछ इस तरह से होगा, तो थीटा जो है स्टूडेंट बहुत छोटा होगा, थीटा क्या होगा बहुत स्मॉल होगा, दैट मींस थीटा विल बी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है। अगर थीटा स्मॉल हो तो अब देखिए इसी ट्रायंगल से ये एक्स है ये एल है और ये थीटा है, परपेंडिकुलर और बेस का क्वांटिटी मुझे पता हो तो टेन थीटा कैन बी डिफाइन एक्स बाय एल, ठीक है, इफ थीटा इज स्मॉल दैट मींस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय एल, लेकिन हम बात कर रहे थे साइन थीटा के लिए और थीटा भी तो स्मॉल हो गया, तो साइन थीटा को भी तो क्या लिख सकते हैं, व्हेन थीटा इज स्मॉल साइन थीटा इज आल्सो इक्वल टू थीटा, ठीक है, यानी कि इसको भी थीटा लिख सकते हैं, सो एम इज इक्वल टू वाई ए एक्स स्क्वायर अपॉन जी एल स्क्वायर, थीटा का वैल्यू कितना एक्स अपॉन एल, करेक्ट। अब हो गया सोल्व, तो m इज इक्वल टू y a x स्क्वायर x क्यूब अपॉन g l क्यूब। अब देखिए y का वैल्यू गिवन था क्या, y का वैल्यू गिवन था, पुट कीजिए, लिखता हूं क्या क्या वैल्यू गिवन है, y का वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स 2 इंटू 10 की पावर 11, 2 इंटू 10 की पावर 11, एरिया कितना था पाई r स्क्वायर, r कितना था, r कम्स आउट टू बी 0.4 मिलीमीटर, ठीक है, ये r स्क्वायर एरिया, x क्यूब, x यानी कि कितना नीचे आया दैट इज द सेकंड कंडीशन, और इस क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर था दैट इज द 1 into 10 की पावर माइनस 2, इसका क्यूब तो क्यूब कर दिया, j का वैल्यू 10 होता है, l क्या है नेचुरल लेंथ, तो ये कितना था 1 मीटर था, दैट्स इट, ये आपका आंसर, ठीक। अब एक सवाल यहां से और बनता है, क्या कि हमने देखा इसी में सवाल खत्म हो गया आपका ना, m इक्वल टू कितना आया था y a x स्क्वायर अपॉन x क्यूब अपॉन g l क्यूब आया, करेक्ट, लेकिन थीटा का वैल्यू क्या था स्टूडेंट, थीटा का वैल्यू था x बाय l, यानी कि x बाय l आया है, तो देखो यहां से कहानी बदल जाएगी, क्या कि m इक्वल टू y a अपॉन g
एक्स अपॉन एल का होल क्यूब और एक्स बाय एल को क्या लिखा है थीटा। ठीक, अब मुझसे पूछे अगर कोई थीटा, तो थीटा एक साइड में रखेंगे तो बताओ थीटा का वैल्यू कितना आएगा, एम जी अपॉन वाई ए की होल पावर 1/3। कब? जब x क्या हो वेरी वेरी लेस देन l। ठीक है, तो इस पर एक सवाल करवाते हैं, जल्दी से लिखिए फटाफट से तोड़ करके। ये सवाल अगर नहीं समझ आए हम लाइव क्लास ले लेंगे, लेकिन ये समझ में आना चाहिए। डाउट अगर छोटा मोटा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चलिए, तो आज का अंतिम सवाल कुछ इस तरह से है। ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 4×10⁻⁴ मीटर स्क्वायर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 2×10⁻¹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड लेंथ 1 मीटर। It is stretched between two vertical rigid poles. A mass of 1 kg is suspended at its middle mass of 1 kg is okay middle calculate the angle it makes with horizontal। चलिए, क्या है? तो ये था स्टूडेंट कि दो रिजिड सपोर्ट हैं, उनके बीच में एक वायर है, वायर ए और बी के बीच में है। ठीक है, इसका टोटल लेंथ हमने मान लिया था 2L है, फिर मिडिल मैंने एम मास लटका दिया, एम मास लटका देने से ये थोड़ा नीचे आया होगा, नीचे आया होगा तो ये ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा तो नीचे लगेगा एम जी। ठीक है, और साथ ही साथ ये था अपना सेग के कितना नीचे आया है, और ये एंगल थीटा, और थीटा इज विद हॉरिजॉन्टल, यही थीटा उसने पूछा है, और यही थीटा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में फाइंड किया था, एम जी अपॉन वाई ए की होल पावर 1/3। अब पढ़ो क्वेश्चन। ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 4×10⁻⁴, तो एरिया दिया है 4×10⁻⁴। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई कितना, 2×10⁻¹। ठीक है, लेंथ 1 मीटर, लेंथ की जरूरत ही नहीं है। इज स्ट्रेच बिटवीन टू वर्टिकल रिजिड पोल्स, मास ऑफ 1 kg, 1 kg। ठीक है, मास दिया, जी का वैल्यू कितना होता है 10। आंसर किसमें आएगा, थीटा का, डिग्री या रेडियन में, यहां पर यहां रेडियन में आएगा क्योंकि सिंपल था है। हमने क्या किया, लेंथ ऑफ आर्क के हिसाब से वर्कआउट हुआ है ना। चलिए, मतलब ये जो आएगा रेडियन में आएगा, इतना समझो, डिग्री वाला कोई टर्म यूज हुआ ही नहीं है ना दूर दूर तक। तो 1 kg × 10⁻¹ × 2×10⁻¹ × 4×10⁻⁴³। इसको सोल्व कर लेते हैं, इसलिए मैंने वो डेरिवेशन करवाया था, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये हर बार ट्रायंगल शेप में जो बन रहा है, एसीईटी नीट जेई मेंस तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन इस पैटर्न के, इसलिए मैंने इतना करवाया डिटेल में। तो 10 upon 2×10⁻¹ × 4×10⁻⁴, तो 11 में से 4 गए 7, ओके बढ़िया, 11 में से 4 गए 7 बच गए, 2×4 = 8 हो गया। चलिए, 1 - 7 हो गया, -6 बच गया, -6 यानी कि 1/8×10⁻¹ की पावर कितनी 1/3। इसे क्या लिख दूं,
टू का पावर थ्री, और इसे क्या लिख सकता हूं, टेन की पावर टू उसकी पावर थ्री, करेक्ट। तो पावर की पावर क्या होती है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई होती है क्या? हाँ सर, तो 2 की पावर 3 इंटू 1 बाय 3, 10 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 1 बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया 1 अपॉन 2 इंटू 100, ठीक है, इट्स रेडियन। तो ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। जेई मेंस में पिछले 2019 का अगर पेपर देखें आप, डिफरेंट डिफरेंट जो टाइमिंग पर हुए हैं क्वेश्चन पेपर, उसमें यह देखा गया है कि टोटल 7 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम ओनली अ चैप्टर इलास्टिसिटी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो एग्जाम हुए हैं टोटल 7 क्वेश्चन वहां से उठे हैं, और बहुत सिंपल, जिसमें से एक दो क्वेश्चन टाइप के भी थे, और नीट और सीईटी इस टाइप के जो पैटर्न के क्वेश्चन है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो लगे रहिए, जम के तैयार कीजिए, एक प्रॉब्लम सेशन और रहेगा अपना नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। उससे भी ज्यादा चाहिए तो बताइए आप कमेंट सेक्शन में, किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।